तो चलिए अब बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के मरुधरा दौरे की। प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी साल में आज मरुधरा दौरा है। भीलवाड़ा के मालासरी में भगवान देवनारायण की जयंती महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने जा रहे हैं। भगवान देवनारायण जी की दिव्य जयंती है आज। 1111वीं जयंती पर शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंच रहे हैं। भगवान देवनारायण की जन्मस्थली मालासरी का स्वरूप बदला जाएगा, तो वहीं 1100 किलो पीले चावल और मिट्टी भेजकर न्योता दिया गया था। भक्तों को 4 किलो आटे की 2 फीट बनी रोटी का प्रसाद भी वितरण किया जाएगा। तो साथ ही आपको बताया, प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की जाएगी भगवान देवनारायण की फड़। साथ ही में धार्मिक टूरिस्ट सर्किट की घोषणा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि धार्मिक लिहाज से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी अहम रहने वाला है। सौगात दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीलवाड़ा की जनता को, जिसको देखते हुए देखिए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। और वहीं अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से नजर डालें तो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अहम साबित हो सकता है। चुनावी साल है और चुनावी साल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के भीलवाड़ा के दौरे पर आ रहे हैं, और न सिर्फ आ रहे हैं बल्कि एक सौगात भी जनता को दे रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को हर तरह से जोड़कर देखा जा सकता है। धार्मिक दृष्टि से अगर बात करें तो भगवान देवनारायण जी की 1111वीं जयंती है, जिस उपलक्ष्य में धार्मिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा काफी अहम रहने वाला है। तो वहीं दूसरी ओर अगर बात करें जनता की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को भी और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन जोशी जुड़ चुके हैं। नवीन, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रहने वाला है भीलवाड़ा का, सौगात देंगे जनता को, क्या कुछ अपडेट है अभी वहां से? देखो आयुषी, मैं ऐश्वर्य प्रधान नवीन शर्मा के साथ लगातार अपडेट दे रहा हूँ, और यहाँ पर भीलवाड़ा में इंतजार यही रहेगा आसिंद में मालासेरी में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ घोषणा करते हैं, क्या क्या भविष्य के लिए एक संकेत देके जाते हैं, ये महत्वपूर्ण चीज होगी। हालांकि ये धार्मिक आयोजन है, लेकिन सियासत में धार्मिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, किसी भी तरीके का मुद्दा हो, उसे सियासत से जोड़कर देखा ही जाता है। भले ही कितना भी कहें कि ये धार्मिक है, लेकिन इसे सियासत से जोड़कर जाता देखा जाएगा और देखा जाता रहा है। क्योंकि कोई भी लीडर जब आता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रद्धा है, वो भले ही सियासत के नीति से नहीं आए हों, लेकिन लोग जो है वो इसे सियासत से ही जोड़कर देखेंगे या सियासी पार्टियां भी सियासत से जोड़कर देखेगी। पहला प्रश्न ये होगा कि भीड़ कितनी आई, दूसरा प्रश्न होगा क्या मैसेज देकर गए, तीसरा प्रश्न होगा कि भविष्य में क्या कुछ होगा, और चौथा प्रश्न होगा कि किस तरफ गुर्जर वोट बैंक भविष्य में मूव करेगा। क्योंकि जब लहर होती है, लहर अलग होती है, मैसेज अलग होते हैं, तो लहर किसी की भी नहीं होती सियासी दौर में, और राजस्थान में लहर जैसा सवाल पैदा नहीं होता। राजस्थान में सियासी गुणाभाग दोनों पार्टियां अपने लिहाज से बिठाती है, जो पार्टी जीतती है वो सामने होती है। लेकिन इसे धार्मिक आयोजन कहा जा रहा है, धार्मिक आयोजन है भी, लेकिन यहाँ पर इंतजार यही रहेगा कि धार्मिक आयोजन में कितनी बड़ी भीड़ आती है और क्या मैसेज लेकर जाती है। और ये जो मैसेज है, ये भीलवाड़ा से निकलकर दूर दराज के धौलपुर जिले तक या धौलपुर के पास करौली या करौली के पास में भरतपुर और अलवर और दौसा तक, सवाई माधोपुर तक क्या मैसेज जाता है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि देवनारायण भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा है कि गुर्जर समाज, हालांकि संपूर्ण हिंदू समाज बेहद आस्था रखता है, ऐसा नहीं कि गुर्जर समाज के लोग ही यहाँ आते हों, आज के कार्यक्रम में भी विभिन्न समाजों के लोग मौजूद रहेंगे, लेकिन बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोगों की मौजूदगी रहेगी। तो ऐसे में यहाँ पर यही देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी और अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हैं। मैं फिर से बता दूं, इससे पूर्व में प्रधानमंत्री मोदी मानगढ़ धाम आए थे। मानगढ़ धाम में जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो वहां पर एक बड़ा आदिवासी तबका जुटा था। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आदिवासी तबका ही जुटा हो,
दूसरे समाजों के लोग भी आए, लेकिन आदिवासी बहुत बड़ी संख्या में वहां पर आए थे। तो वो जो आयोजन था वो आदिवासी शहीदों के प्रति श्रद्धा का आयोजन था, उसे धार्मिक नहीं कहा जा सकता लेकिन देशभक्ति से जुड़ा कहा जा सकता है। लेकिन देश तरीके के जो वीर होते हैं, वीरों को धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाता है। पुराने उस काल में जो वीर योद्धा होते थे उनके प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा होती थी, उनकी पूजा हुआ करती थी, तो उसे धार्मिक धर्म से भी जोड़ दिया जाता था। तो ऐसे ही जब देवनारायण मंदिर की देवनारायण भगवान की 1111वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो क्या सियासी मैसेज लेकर जाते हैं, देखने वाली बात होगी। अर्जुन मेघवाल है, वो लगातार तैयारियों में जुटे हुए थे, संस्कृति मंत्री हैं। उनके अलावा अलका गुर्जर है, भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री, वो लगातार जुटी हुई थी। ओम प्रकाश भड़ाना है, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष हैं, इसी इलाके के हैं, वो जुटे हुए थे। और दूसरे गुर्जर नेताओं में अन्य नेता जो हैं वो लगातार यहाँ पर जुटे हुए थे। अब देखना ये होगा कि मंच पर कौन बैठेगा, इंतजार इस बात का भी है मंच पर कितनी सीट लगाई जाएगी, पांच नेता बैठेंगे या फिर सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ ये जो भगवान देवनारायण मंदिर के जो लोग हैं, मंदिर समिति के जो लोग हैं वो जुड़ते हैं कौन कुछ। हालांकि इसको नाम दिया गया है प्राकट्य महोत्सव, और इसमें इसको प्राकट्य महोत्सव नाम दिया गया है और भाजपा का झंडा भी नहीं लगा है। तो इसे यहाँ पर कम से कम इसे सियासत से आधिकारिक तौर पर सियासत से बिल्कुल नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन चर्चाओं की बात मैं फिर कहूंगा, चर्चाएं अवश्य होंगी, चर्चाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। चर्चाएं किस तरीके की होती है, क्यों होती है, ये इंतजार यही रहेगा देखने का। लेकिन आयुषी लगातार फर्स्ट इंडिया न्यूज अपडेट भी करता रहेगा और फर्स्ट इंडिया न्यूज की कोशिश होगी कि इसके सियासी मायने भी बताएं, धार्मिक मायने भी बताएं, भीड़ के आकलन भी लगाएं और तमाम तरीके की खबरें हैं वो दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आज भाजपा के नेताओं में बेहद खुशी भी देखी जा सकती है, बीजेपी के तमाम नेता हैं वो उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि 2023 की शुरुआत में यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की धरा पर आकर एक बड़ी सभा को संबोधित करें, देवनारायण जयंती के उपलक्ष्य में बड़ा मैसेज दें, तो ये भाजपा के लिए एनर्जी भरा माना जाएगा, भाजपा के लिए ऊर्जा का संचार माना जाएगा। तो भाजपा के नेता इसे अपनी ऊर्जा का संचार से जोड़कर देख रहे हैं। उसके अलावा 4 तारीख का भी अलवर आने का लगभग प्रस्तावित कार्यक्रम माना जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, हालांकि फाइनल अभी होना है, अभी प्रस्तावित है, तो वो भी एक बड़ा मैसेज होगा। तो 2023 पूरा इसी तरीके से निकलेगा क्योंकि आखिर में चुनाव है और चुनाव से पहले तमाम जो बड़े लीडर्स हैं उनके दौरे भी होंगे, कई घोषणाएं भी होंगी, कई मैसेज भी होंगे। लेकिन आज का धार्मिक आयोजन है, इस धार्मिक आयोजन में देवनारायण भगवान जो है वो जब प्रधानमंत्री मोदी उनके बारे में बात करेंगे तो ये बात भी तय है कि पूरा भारत ही नहीं देश और दुनिया के लोग भी जानेंगे कि भीलवाड़ा में एक मालाशेरी करके जगह है और उस जगह पर भगवान देवनारायण का स्थान है जिनमें लोगों की अटूट आस्था है, ये देश और दुनिया के लोग फिर से जानेंगे। हालांकि ये चीजें तमाम लोगों की जानकारी में होती है लेकिन एक मैसेज पूरी दुनिया में जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद आ रहे हैं। ठीक जी ऐश्वर्या, देखिए ये तस्वीर तो पहले ही साफ हो चुकी थी कि जो अगला राजस्थान में चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव होगा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही कह सकते हैं कि राजनीति खेली जाएगी। तो ही देखिए अब 26 जनवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जीत का दावा भी कर दिया था, तो वहीं आज एक बड़ी सभा को आपने कहा कि संबोधित करने वाले, किस तरह से माने कि राजस्थान में जो चुनावी रण है वो पूरी तरह तैयार हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कांटे की टक्कर भी शुरू हो चुकी है। देखिए चेहरा जो है भाजपा का जी ऐश्वर्या, आपको आवाज आ रही है हमारी? मोदी जी बिल्कुल मेरे पास बिल्कुल उम्दा तरीके से आवाज कौन, तो हर एक राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ही चेहरे के तौर पर होते हैं, भाजपा का चेहरा होते हैं। और भाजपा से अगर इस बात में कोई संशय नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी का कद इतना बड़ा हो चुका है कि भाजपा की बात करें और प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो लोग प्रधानमंत्री मोदी के शब्द को या मोदी के नाम को पकड़ने की कोशिश करते हैं, भाजपा को बाद में पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो जी
जी ऐश्वर्य, बिल्कुल देखिए, देखा जा सकता है कि जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो है राजनीति खेली जाती है, राजनीति की जाती है उनके चेहरे पर, कह सकते हैं कि चुनाव को है जीता जाता है। गुजरात में भी देखिए यही तस्वीर देखी गई थी जहां पर प्रमुखता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और उनकी कभी सभाएं भी हुई थी और जीत भी दर्ज की गई थी। तो वहीं अभी अब राजस्थान की बात कर लेते हैं जहां पर एक धार्मिक कार्यक्रम आज होने वाला है, बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर मौजूद रहेंगे, हमारे बड़ी संख्या में लोग भी इस धार्मिक कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो वहीं देखिए राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कई कयास लगाए जा सकते हैं इस कार्यक्रम में। तो देखिए ऐश्वर्या, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।